goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एरम और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो आइए हम देखते हैं उन्हें हमारी जनता ने किस तरीके से विश किया है। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्म दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। गरीब घर में पैदा होने के कारण गरीबों के प्रति उनके मन में जो दर्द है, उसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई, उसका सर्वाधिक लाभ इस देश के गरीबों को मिला है। चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे फिर वो उज्ज्वला योजना हो, मैंने ये आप एक एक योजनाओं को देखिए। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी का बिहार के साथ एक विशेष संबंध रहा है, और इस कोरोना काल में उन्होंने बिहार के गरीबों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था की है। यानी 8 महीने तक, अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर छठ तक, 8 महीने तक 5 किलो अनाज यानी 40 किलो अनाज करीब 8,71,00,000 लोगों को, बिहार की आबादी है करीब 12 करोड़, और 8,71,00,000 गरीबों को 40 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाना, तो ये गरीब घर में पैदा होने का उनको मालूम है कि गरीबी क्या होती है। उन्होंने बिहार के 2,38,00,000 महिलाओं के खाते में 1,500 रुपया भेजने का काम किया है। और जो लोग कोरोना चिल्लाते हैं या कहते हैं कि प्रवासी मजदूर बहुत नाराज हैं, तो बिहार के अंदर कोरोना काल में कुल मिलाकर केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च किया है। और ये नरेंद्र मोदी के दिन, और कल वो तीसरा जो मेगा पुल है कोसी का पुल, वो देश को सौंपने जा रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, तो अटल जी के सपने को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। 3 मेगा ब्रिज का ऐलान किया था अटल जी ने, एक गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच, एक मुंगेर के अंदर गंगा नदी पर, और तीसरा कोसी नदी पर। 10 साल यूपी की सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो दीघा सोनपुर का रेल पुल बना। हैप्पी बर्थडे टू आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। सौभाग्य है और हम सबों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी इन चुनौती भरे कार में इतने प्रभावी, प्रामाणिक और साहसिक रूप से देश के विकास में लगे हुए हैं। मोदी जी के जीवन का एकमात्र मंत्र है देश की सुरक्षा, गरीबों की सेवा, देश का प्रामाणिक विकास और भारत के संस्कृति संस्कारों को मजबूत करना। लेकिन मुझे जो सबसे अधिक संतोष मिलता है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को उन्होंने मजबूत किया है। मोदी जी का एक मंत्र है, रिफॉर्म परफॉर्म इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म, बदलाव करो, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब बदलाव के बहुत बड़े उपकरण बने हैं। तो मुझे संतोष है कि और यशस्वी हों, देश को आगे बढ़ाएं, भारत का जो मान उन्हें दुनिया को पहुंचाया है उस पर उनका अभिनंदन। उन्होंने बार बार एक संदेश दिया है, ये हिंदुस्तान 2020 का है, 1962 का नहीं है। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।